दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अपने 1200 किलोमीटर के रूट में ये कहां कहां से पास करेगा, इसका पूरा रूट मैप देखेंगे। 5 स्टेट से होता हुआ जाएगा, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मेन रूट सोना से शुरू होगा और मीरा भयंदर में खत्म। 2 एडिशनल लिंक्स होंगे जो कि दिल्ली से सोना और विरार से JNPT के बीच होंगे, टोटल 1350 किलोमीटर की लंबाई के साथ। पहले दिल्ली वाले लिंक से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सराय काले खां से स्टार्ट होगा, रिंग रोड और DND फ्लाईवे के जंक्शन पर, फिर ओखला से होते हुए कालंदी कुंज से गुजरेगा यमुना के साथ साथ, वहां से टर्न लेके जैतपुर तक जाएगा, आगरा कैनाल के पैरेलल में इधर हरियाणा में एंटर होगा। फरीदाबाद सेक्टर 37 में ये फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से मिल जाएगा इसके सेंटर में आके। कैल गांव तक ऐसे ही चलेगा जहां ये दिल्ली आगरा हाईवे को क्रॉस करेगा। इसके आगे ग्रीनफील्ड पार्ट शुरू होगा खालीलपुर गांव तक, जहां ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन रूट और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मेन रूट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में शुरू होगा सोना रोड से, जहां ये ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाएगा। थोड़ा आगे भिरावती गांव के पास टोल प्लाजा भी बनाया जाएगा, फिर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाएगा और यहीं पर इसका दिल्ली लिंक भी कनेक्ट होगा। यही भिरावती टोल से एग्जिट करने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ में ही ये प्रोजेक्ट है और इससे 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद ये तीनों रोड से कनेक्ट हो जाता है, लिंक हो जाता है, जहां से आप नोएडा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ या KMP पर चढ़ सकते हैं या सीधा मुंबई या वापस गुड़गांव दिल्ली जा सकते हैं। यहां पर 50 गज का प्लॉट आपको मात्र 3,75,000 रुपए का पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9555395557। फ्री साइट विजिट के लिए संपर्क